5 बज रहे हैं और जल्दी सो गया था, रात को 10:30 के करीब सो गया था। तो ये लोग कह रहे थे कि कोई ब्लू आर होता है यहाँ पे, ऐसे जो जहाँ हम गए थे वहाँ मेले में ब्लू आर होता है, तो उसके शॉट्स कवर करने के लिए इसने कहा था 4:30 निकल जाएंगे हम। लेकिन 5:15 हो गए, अभी हम होटल के आई है और बस वेट कर रहे हैं अंकल की, जो ड्राइवर है उनकी वेट कर रहे हैं, वो आएंगे शायद, पता नहीं उनको रात को बताया था, अभी उनको उठाने जा रहे हैं, वो आएंगे तो 5:30 तक यहाँ से निकल जाएंगे। बस हमें ये है कि 10 मिनट में वहाँ पे पहुँचना है, ताकि जब सनराइज़ होता है तो एक ब्लू आर कहते हैं उसको, उसके शॉट्स कैमल के बहुत अच्छे आते हैं, तो उस वजह से जा रहे हैं। और थैंक यू लोग, वेलकम टू डे 2। 6:30 हो चुके हैं, मैं इधर आ चुका हूँ, मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का, बहुत अच्छा मौसम है और लाइटिंग भी बहुत अच्छी है, शॉट्स अच्छे आए हैं। ब्लू आर का पता तो चला नहीं मुझे क्या ब्लू आर होता है, पर शॉट्स अच्छे आए हैं, शॉट शेयर करूँगा आपके साथ। और ये कुछ ऐसा दिखता है इस टाइम, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ अभी मेरे साथ क्या हुआ। एक यही जो इनका हेड होता है कैमल्स का, तो उसने मेरे से पूछा पैसे दो, मैंने कहा आप गोरों से मांग नहीं रहे, कह रहे कैसे मांगे गोरों से, हमें इंग्लिश नहीं आती, तो मैंने कहा बोलो गिव मी मनी, अगर हमसे मांग रहे हैं, हम इंडियंस हैं ठीक है, अगर हमसे भी मांग रहे हैं तो फॉरनर्स का भी बंदा देना ठीक है। अब एक बंदा पैसे दे रहा, पीछे से 20 फोटोग्राफर्स और आ जाते हैं, वो तो खींच के चले जाते हैं, एक बंदे के तो पैसे चले गए ठीक है, जो सबसे पहले गया उसके पैसे चले गए, 20 और आ जाते हैं वो खींच लेते हैं, हमें शॉट नहीं मिलता और हम पैसे भी देते हैं। तो मैं उनको कह रहा था ऐसे बोलो गिव मी मनी, पीछे से आवाज़ आई इनको मत सिखाओ, डोंट टीच देम। मैं देखा कौन है, पीछे से एक बंदा कहता है इनको आप सिखा रहे हो पैसे लेना, इनके पास आपसे ज़्यादा पैसा है। मैंने कहा कैसे है? मैं वही सोच रहा था कि आते हैं पर मतलब ये कैसे अपना खर्चा चलाते हैं, क्या करते हैं। तो उसने मुझे बताया कि ये जो एक बंदा है उसके पास कम से कम 50 कैमल्स हैं, 50 का झुंड लेके घूमते हैं और एक की कीमत 20,000 रुपये। ये आते हैं यहाँ से 50 लाते हैं और 100 करके जाते हैं, तो सोचो कितना होगा, 20 लाख रुपये। ये 20 लाख रुपये इनकी कमाई है, इनकी एसेट्स हैं जो यहाँ घूम रही हैं, ये 10 लाख रुपये का प्रॉफिट हर साल बना के जाते ही हैं, क्या बात है। So we are done with this camel fair and we are heading towards camera pe kuch lag gaya tha sorry and we are heading towards our hotel. So aaj ka jo tha subah se lekar ab tak tha sahi tha, 6 shots aaye, maine portrait zyada liye hain, kal camels bahut zyada ho gaye the, camel ride iske 300 rupees charge karte hain pata nahi kyun, pura hai bas aage se mushkil se 500 meter chala ke। हाँ तो मैं कह रहा था जैसे आज मैंने पोर्ट्रेट ज़्यादा लिए, कल के में मेरे शॉट्स में कैमल्स बहुत हो गए थे, तो आज मैंने पोर्ट्रेट को ज़्यादा किया। मुझे माइक की ज़रूरत है एक्चुअली, मेरे को माइक अटैच करवाना पड़ेगा, इसका कुछ मैं जुगाड़ करूँगा। तो बस कैमल फेयर हो गया, अब हम होटल जाएंगे, फिर शाम को हम जाएंगे सिटी की तरफ, वहाँ देखते हैं शॉट्स कैसे आते हैं, ब्लॉग बनाता रहूँगा आपको बताता रहूँगा इस पुष्कर में क्या है क्या नहीं है। अभी सनसेट पॉइंट की वो टाइम लैप्स शेयर किया है, सनसेट पॉइंट मेला ग्राउंड से करीबन 2 किलोमीटर अंदर जाके है, पैदल चलना पड़ता है,
और ये कैमल राइड्स वगैरह चलती है जो 400 रुपये पर पर्सन लेती है। हम 5 चले थे, हमारा तो 2000 का खर्चा बैठ जाता है ऐसी, और हम हैं बजट ट्रैवलर्स, सो हमने एक्सरसाइज किया पैदल चलना 2 किलोमीटर की बात है। पूरा रेत है, पूरी रेत गहरी गहरी रेत है जिसमें आपका पैर फंस जाता है। कोई बात नहीं, आप थकते हो उस रेत में, काफ़ी थकते हो, थोड़ी ऐसे ऐसे है रेत, पर कोई बात नहीं, बेटर है पैदल चल के जाना। शॉर्ट बीच में बहुत अच्छे मिलते हैं, पूरा प्लेन ग्राउंड होगा, क्रॉप होगी और सब कुछ, बहुत अच्छे शॉर्ट्स मिलेंगे। आप अगर गाड़ी से या ऐसे जाओगे तो आपको नहीं मिल सकते वो शॉर्ट, क्योंकि हाँ जी आप यहाँ रुके थे क्या? हाँ एक बार, ऑफ सीजन। ऑफ सीजन कितने का कमरा था? 700 रुपये का बस। तब भी ऑफ सीजन में अगर आपको ये पूरे सिटी के अंदर अगर मिल रहा है तो कितना अच्छा है। रूम कैसा था? रूम बहुत साफ था, एंड बेडिंग बेडिंग चला, प्रॉपर बेडिंग थी, एंड साफ वॉशरूम था, तो मेन वॉशरूम होता है। हाँ। ठीक है, साइड में एक और होटल है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें स्विमिंग पूल भी है, एंड वो मेरे ख्याल से 1000 या 1200 का था। अगर हम अभी जाएंगे रूम लेने तो वो पड़ेगा कम से कम 3500 का वो, और ये कम से कम 2500 का। बताओ ज़रा, स्विमिंग पूल वाला ऑफ सीज़न में सिर्फ 1000 रुपये वाला, और वो भी सिटी के अंदर, कमाल है यार। ऑफ सीज़न में वही चीज़ 1000 रुपये वाली 4500 या 3000। और अंदर बेडिंग सिंगल थी या क्वीन साइज था? क्वीन साइज था, एंड हमने तो बस सिंपल लिया था, बट वहाँ पे क्वीन साइज अवेलेबल है, उसके रेट थोड़े बढ़ जाते हैं जैसे 1000 रुपये। थोड़ी बार्गेनिंग करो, चल जाएगा। बार्गेनिंग हर जगह चलती है, हर जगह चलती है। अभी ये बहुत ज़्यादा पैसे बता दें, क्योंकि अभी इनका यही 10-12 दिन होते हैं मेन सीजन, उसके बाद ही कमा नहीं पाते। अच्छा, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक होटल ताज पहले से, आप यहाँ पे ऑफ सीज़न आ रहे हैं, मतलब ऑफ सीज़न पुष्कर में यही होता है जब आपका मेला नहीं लगता तो आपका ऑफ सीज़न हो जाता है, सिर्फ मेले के टाइम पे पुष्कर का सीज़न चलता है। अगर आप ऑफ सीज़न आ रहे हैं तो आप होटल ताज पहले से आ सकते हैं, सिर्फ 700 रुपये का कमरा है। आगे जाके एक और होटल है, उसका नाम नहीं पता, उसमें है 1000 रुपये का कमरा। तो अब हम पी रहे हैं शिकंजी। भैया कितने की शिकंजी है? 30 रुपये की, 20 रुपये की। अब यहाँ शिकंजी भी पी सकते हैं। नहीं, खाली पानी दे रहे हैं, पानी दे दो, पानी दे दो। सबको दुकान का नाम क्या है? चाय। पराशर सोडा शेक। यहाँ पे 6 तरीके के गोलगप्पे मिलते हैं, सॉरी 6 तरीके का पानी है, रेगुलर पानी, हाजमा आजम, पुदीना, लहसुन, जीरा, 5 है। तू तो 6 कह रहा था यार। आपने 6 बोला था मैंने। आपने 6 बोला था, 6 खिलाया। अरे वो छठी चाय है। हो गए, हो गए। हाँ छठी चाय है। अरे वो ऐसे ही करते हैं। हम यहाँ लेक पे एंजॉय कर रहे हैं बैठ कर। तो आज का दिन बहुत अच्छा था, शॉट्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, शॉट्स तो आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। 6 तरीके के गोलगप्पे, एक्चुअली 7 भी थे, आगे थोड़ी सी आगे जाओगे तो 7 तरीके के गोलगप्पे खा सकते हो। तो हमें पता नहीं था, हमारा पेट भर गया था, हम जाएंगे खाना खाएंगे फिर होटल जाके टन करके सोएंगे। एक्चुअली कल हमें सुबह जल्दी फिर से उठना है, कल बहुत कुछ है आपको दिखाने के लिए। सो ओके, टाटा, बाय बाय।